हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। क्या हाल है सभी लोगों के? अभी एक बुक रीड करना स्टार्ट की है। अभी तो जिम जा रहा था, मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले ये चीज़ बता देता हूँ। मैंने इसके 7-8 पेजेस पढ़े हैं अभी तक, बट ये बुक मुझे बहुत टाइम से पढ़नी थी। और इस बुक को मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मैं इसको एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये बुक मोटिवेट नहीं करती ज़रा भी आपको, बट आपको ये ज़िंदगी के कड़वे सच के बारे में बताती है। और इस बुक को पढ़ने के लिए मतलब मैं बहुत टाइम से पढ़ना चाह रहा था, बट मैं वेट कर रहा था कि थोड़ी सी और समझदारी आए मेरे अंदर, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद में आपको एक्सेप्टेबल बहुत होना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी कड़वी चीज़ों के बारे में बताती है लाइफ को और जो सच्चाइयाँ हैं। आप रेडी हो जाते हो और ऐसे आपके गार्ड्स अप हो जाते हैं ना, आप रियलिटी समझ जाते हो। तो जिन लोगों ने पढ़ी है वो अच्छे से जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ना स्टार्ट करना। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेबल हो कि जो जो चीज़ें इसमें लिखी हैं वो आप कड़वी चीज़ों को समझ पाओगे। अभी मैंने जस्ट इसको रीड करना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे रीड करता जाऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। आई नो मैं व्लॉग थोड़े से लेट डाल रहा हूँ, बट अब से ऑल्टरनेट डेज या फिर 2 दिन का गैप करके ब्लॉग आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि मैं भी कंटिन्यूसली करूँगा। मेरा जो एक्टिंग क्लास चल रहा है ना, वहाँ पर प्लेज स्टार्ट हो गए हैं वापस से, तो उसकी प्रैक्टिस में भी मैं लगा रहता हूँ। दिन में वहाँ पर प्रैक्टिस रहती है, शाम को आके वर्कआउट और वो सारी चीज़ें, बट आई विल ट्राई कि मैं पूरी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दूँ फिर से। आज जिम जाने से पहले मतलब जिम जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। एक बढ़िया सी चीज़ दिखानी है आप सभी लोगों को, और ये पता है बहुत टाइम से लेना था मुझे हेडफोन्स। ये मैंने अभी प्रैक्टिस से जब लौट के आ रहा था तब मैं लेकर आया वहाँ से। ये मुझे इतने टाइम से लेना था, और अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हुए बहुत पहले से आप देख रहे हो तो आप सभी को पता होगा कि मैं हेडफोन फैन ज़्यादा बड़ा हूँ। जब से वो एयरपॉड्स आए थे तब से मैं उन्हें लगाने लगा था, बट वर्कआउट के टाइम पे हेडफोन पहनने के बाद में जितना जोन्ड इन फील होता है ना, कि बिल्कुल जोन में आ चुके अपने, और वो क्रश कर देने वाला अपने वर्कआउट को, और एक अलग फील में चले जाना, वो हमेशा हेडफोन से आता है, और वो वाइब मैं मिस करने लगा था। तो बीच में भी जब मैं ग्वालियर में था मैंने अदेवे के हेडफोन्स लगाए ना, तो मुझे से वापस से वो डेडलिफ्ट के टाइम पे फील आने लगा। ये वाइब तो मैं बहुत मिस कर रहा था यार इतने टाइम से। देन फिर मैंने सोचा कि यार हेडफोन में मुझे अपग्रेड करना चाहिए, और इतने टाइम से मैंने नहीं लिया है कोई भी हेडफोन लेना चाहिए, तो फिर मैं ये लेकर एप्पल स्टोर से जाके खोलते हैं। आज का सेशन तो क्रेजी होगा इसकी वजह से। बवासीर सी चीज़ें लगती हैं, क्यों बनाते हैं? कोई पढ़ता है मतलब? जेन्युइनली बताना, जब भी ऐसे इसके अंदर ये मिलती हैं मैनुअल मिलते हैं पढ़ने के लिए, कौन कौन पढ़ता है यार? तुम में से किसी ने पढ़ा है बैठ के कि पूरा का पूरा पढ़ेंगे आज? हाँ, बस ये अच्छी चीज़ है कि साथ में ये मिल जाता है, इसके एक एक्स्ट्रा मिल गया मुझे अभी, बट अभी मैं आईफोन वाले से चार्ज कर लूँगा। और इसमें 4-5 कलर्स थे, बट मैंने ये ब्लैक वाला लिया। उसकी पता है क्या है, इस नॉर्मली सारे के सारे हेडफोन्स अभी तक जितने मैंने देखे उन सबको ऐसे दबा के बटन स्टार्ट करना पड़ता था, बट इसको आप ऐसे केस से निकालोगे और लगा लोगे ये स्टार्ट हो चुका है। ओह शिट, मुझे आसपास की कोई ऐसे आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही है। अब नॉइस कैंसिलेशन बहुत तगड़ा है इसका, इसको अभी जिम में ट्राई करेंगे। स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले पैक डेक से, जिससे पूरा स्ट्रेच मिलेगा मसल्स को, पूरा स्ट्रेच होगा, एंड देन उसके बाद में पुश मूवमेंट करेंगे। एक स्ट्रेच मूवमेंट, एक पुश मूवमेंट, इस तरीके से पूरा वर्कआउट होगा। फिजिक चेक करते हैं, उससे पहले बता दूँ दिस फिंगर दिस लोअर इज फ्रॉम फॉर्क अमेजिंग क्वालिटी गाइस। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहाँ से आप इसे जरूर चेकआउट कर लेना। और अभी जो ब्लैक ओवरसाइज टी शर्ट पहना हुआ था वो भी फॉर्क की तरफ से था, अभी टी शर्ट उतार दें। बंद हो गया गाइस,
मैंने ना वायरल से तो अच्छे से रिकवर कर लिया, मसल भी धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, बट एक चीज़ है जो सही नहीं हो रही। एक तो गले का थोड़ा सा टाइम लगेगा वो तो, क्योंकि कफिंग वगैरह है, और एक है ना अजीब सी लेजीनेस रह गई है जो कि बॉडी से जा ही नहीं रही है मेरे। मैं कितना भी रिकवर कर लूँ, कितनी भी अच्छी नींद ले लूँ, लेकिन सुबह उठता हूँ तो वो बॉडी में पेन रहता ही, ऐसा लगता है और आलस आ रहा है और सो जाऊँ। और जबकि 8-8 घंटे 10-10 घंटे अच्छे से सो ले रहा हूँ, फिर भी उसके बाद में वो बना हुआ है कॉन्स्टेंट। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा टाइम लेगा, और पता नहीं किसी और के साथ में हो रहा हो, कुछ सॉल्यूशन हो इसका तो मुझे ज़रूर बता देना यार, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। वो अभी वायरल होने से पहले जो कांस्टेंट एनर्जी रहती थी ना, ऑल टाइम रेडी फॉर एनीथिंग, वो अभी नहीं हो रहा है। वर्कआउट के लिए भी अच्छे से फोकस्ड होके मूड बनाना होता है, फिर उसके बाद में जा रहा हूँ। वो बॉडी पेन है अभी भी, वायरल होने के बाद में ये चीज़ रह ही जाती है, जो धीरे 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 धीरे। और काफी सारे लोगों को वायरल हुआ है यार, हर किसी को, अदेवी को भी हुआ, मेरे घर में भी हो गया, और एक एक करके मैं देखते ही जा रहा हूँ कि कितने सारे लोग वायरल से होकर निकल रहे हैं। आज मैं अपने दोस्त के साथ में जिम में डिस्कशन कर रहा था, और बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर बात कर रहे थे हम लोग। अगर बड़ा भाई है ना तुम्हारा, बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि मतलब मेरी ज़िंदगी में नहीं है बड़ा भाई, ठीक है। तो बड़े भाई होना बहुत लक की बात होती है, कोई तुम्हारे ऊपर होना जो ये कह सके तुमसे कि भाई तू जो करना चाहता है ना लाइफ में कर, मैं हूँ पीछे। जब ये सपोर्ट मिलता है ना छोटे भाई को, तो वो क्या फीलिंग होती है। मतलब मैं इमेजिन करता हूँ कि अगर मेरे ऊपर कोई बड़ा भाई होता मेरा, और वो मुझे बोलता कि भाई तेरे को जो जो करना है ना कर, मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो फीलिंग सोच कर ही इतना अलग फीलिंग आने लगती है। जब एक्चुअल में कोई छोटा भाई फील करता है उस फीलिंग को, तो सपोर्टिव फील होता होगा यार काफ़ी ज़्यादा। और बड़ा भाई काफ़ी सारी चीज़ें सेट करता है लाइफ में, जिससे छोटा भाई काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर पाए। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर बड़ा भाई है ना, और अपने 20s में हो तुम अभी, तो अपने बड़े भाई के सपोर्ट की वजह से जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो ना लाइफ में, करियर वाइज, लाइफ वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, जरूर करना, क्योंकि ये लक हर किसी को नहीं मिलता। मजे करो यार, फुल मजे लो बड़े भाई के। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और ये पीछे करेगा, ये देखो ये पूरे ख़त्म कर रहा हूँ भाई मैं, ये मेरे गले की मैं इतनी प्रॉब्लम है ना, एकदम से खांसने लग जाता हूँ, तो फिर उसको सही करने के लिए खानी पड़ती है। तो गाइस आज के इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज व्लॉग। व्लॉग पसंद आए लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट जरूर कर देना भाई। और कुछ समझ में नहीं आया कमेंट क्या करना है, तो एक प्यारा सा हार्ट कमेंट कर देना, बढ़िया बढ़िया बातें लिख देना, कोई भी कंसर्न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो वो लिख देना, Q&A के लिए कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, पर्सनल लाइफ को लेके, फिटनेस को लेके, वो कमेंट कर सकते हो, उस पर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। मिलते हैं जल्दी से नए व्लॉग में, और अब मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाऊंगा वापस से। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, पीस।